हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको स्टाइलिश वेस्टर्न टॉप बनाना बताऊंगी। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये मैंने 1.5 मीटर कॉटन क्रेप का फैब्रिक लिया हुआ है। तो फैब्रिक को सबसे पहले हम 4 फोल्ड में बिछाएंगे। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो भी बंद वाली साइड है और नीचे की दोनों साइड खुली हुई है। इस तरह से फैब्रिक को मैंने 4 लेयर में बिछाया हुआ है। और फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद इसकी जो लंबाई है वो 29 इंच की, यानी कि 29 इंच की है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी 29 इंच की ही है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 29 इंच की है। अभी जो बंद वाली साइड है वहाँ पर हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे गले की चौड़ाई के लिए। तो गले की चौड़ाई हमें 3 इंच ही लेनी है और गले की लंबाई के लिए हमें 6 इंच पर निशान लगाना है। इसमें हम फ्रंट और बैक का गला सेम ही बनाएंगे और इसमें हमें वी शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक नेक के लिए। अभी जहाँ पर इसकी खुली हुई साइड है वहाँ पर हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे स्लीव की चौड़ाई के लिए। इसमें हम हल्की सी लूज ही स्लीव रखने वाले हैं इसलिए हमें 11 इंच पर निशान लगाना है। अभी उस निशान के अंदर हमें 8 या 9 इंच पर निशान लगाना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी इस लाइन को हम नीचे तक तिरछा ड्रॉ कर लेंगे। हल्का सा राउंड शेप देते हुए हमें इस लाइन को नीचे तक तिरछा ड्रॉ कर लेना है। अभी नीचे से ऊपर हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो आप 4 या 5 इंच पर निशान लगा सकते हैं। तो मैंने 5 इंच पर निशान लगाया है और नीचे की तरफ से हमें इसमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है इस तरह से। अभी जैसा हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसे कट कर देना है। तो देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अभी जहाँ पर हमारी स्लीव वाला पार्ट है वहाँ पर हम हल्का सा राउंड में कट करेंगे। इस तरह से हमें इसे हल्का सा राउंड में कट करना है और इस तरह से हम इसे खोलेंगे तो दोनों शोल्डर इसके जॉइंट है दोनों साइड से और नीचे से इसका राउंड वाला पार्ट है। अभी जो भी इसका नेक हमने कट किया है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा वी शेप में दोनों साइड से। अभी हमें इसी शेप की पट्टी कट करनी है तो मैंने इसी शेप की पट्टी कट कर ली है। इसे हमें सीधी साइड से ही इसके ऊपर रखना है और इसमें हमें सिलाई लगा देनी है। पहले हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। तो पूरी पट्टी के ऊपर हमें पिंस लगा देनी है, उसके बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी इस पट्टी में हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो कट लगाते वक्त ध्यान रहे हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। उसके बाद हम पट्टी को उल्टी साइड पर पलट देंगे। पट्टी को हमें उल्टी साइड पर पलट देना है और इसके ऊपर हमें कवर सिलाई लगा देनी है। उसके बाद जो पट्टी की बॉर्डर है उसे भी हम फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने इसमें कवर सिलाई लगा दी है। उसके बाद हम इसमें हैंड स्टिच कर देंगे, यानी कि तुरपाई कर देंगे। अभी जहाँ पर हमारे स्लीव वाला पार्ट है और जो हमने राउंड शेप कट किया था वहाँ पर हमें एक छोटा सा कट लगाना है, बिल्कुल छोटा सा ही हमें कट लगाना है। तो दोनों साइड से जहाँ पर हमारा राउंड वाला शेप है वहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। उसके बाद जहाँ तक हमने कट लगाया है वहाँ तक हमें स्लीव की बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है। तो सिंपली जो स्लीव की बॉर्डर है उसे हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। अगर आपको फोल्ड करने में परेशानी हो तो आप पहले इसे सिंगल फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा लीजिए, उसके बाद आप इसे दोबारा फोल्ड करते हुए सिलाई लगा सकते हैं। और इसी तरह से दूसरी साइड की जो बॉर्डर है उसे भी हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। जहाँ तक हमने कट लगाया है वहाँ तक ही हमें इसे फोल्ड करना है। तो देखिए, मैंने दोनों साइड की बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है, दोनों ही स्लीव की बॉर्डर को। अभी इसे हम उल्टा कर लेंगे और जहाँ तक हमारी स्लीव है वहाँ तक हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो पहले ऊपर से हम 11 इंच पर निशान लगा लेंगे। जहाँ तक हमारी स्लीव वाला पार्ट है वहाँ तक ही हमें लाइन ड्रॉ करनी है।
तो 11 इंच पर निशान लगाते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बिल्कुल सीधी लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है पूरे टॉप पार्ट के ऊपर। एक स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करनी है और इसी तरह से दूसरी साइड भी हम शोल्डर से 11 इंच पर निशान लगाएंगे। शोल्डर से हमें 11 इंच पर निशान लगाना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जहाँ तक हमारी स्लीव है वहाँ तक ही हमें लाइन ड्रॉ करना है, तो एक सीधी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन हमें उल्टी साइड से ही ड्रॉ करनी है। इसके ऊपर हम इलास्टिक अटैच करने वाले हैं, तो आपको इलास्टिक की लंबाई उतनी लेनी है जितनी आपकी चेस्ट का दूसरा भाग होता है, उसमें 2 इंच कम का इलास्टिक लेना है। तो मेरी चेस्ट का मेजरमेंट 32 इंच है, उसका दूसरा भाग 16 इंच होता है, तो मैंने 14 इंच का इलास्टिक लिया है, 2 इंच मैंने कम का इलास्टिक लिया हुआ है। अभी इस इलास्टिक को हम साइड से 1 इंच छोड़ते हुए अटैच करेंगे। तो साइड में जहाँ पर हमारी फिटिंग की सिलाई होती है वहाँ पर हमें 1 इंच छोड़ते हुए इलास्टिक को हमें खींचते हुए अटैच करना है दूसरी साइड तक। इस तरह से हमें इसमें सिलाई लगानी है इलास्टिक को खींचते हुए, और इसी तरह से दूसरी साइड भी हम 1 इंच छोड़ते हुए इलास्टिक को हमें खींचते हुए इसमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से इसकी गैदर्स बन जाएंगी सेंटर में। ऐसे ही हमें पूरे इलास्टिक को अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने दोनों साइड में इलास्टिक अटैच कर लिया है। अभी जो हमने 1 इंच छोड़ा था वहाँ पर हमें इसमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो जहाँ पर हमने स्लीव को फोल्ड किया है वहाँ तक ही हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो ध्यान रहे जहाँ तक हमने स्लीव की बॉर्डर को फोल्ड किया है वहाँ से ही हमें सिलाई को स्टार्ट करना है, बाकी हमारी स्लीव खुली ही रहेगी। उसके बाद 1 इंच का गैप रखते हुए हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। दूसरी साइड भी जहाँ तक हमारी स्लीव की बॉर्डर फोल्ड की हुई है वहीं से हमें सिलाई को स्टार्ट करना है नीचे तक। उसके बाद जो इसकी नीचे की बॉर्डर है उसे हम डबल फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है दोनों ही साइड से, और ये स्लीव हमारी ऐसे ही खुली रहेगी। दोनों साइड से मैंने इसमें फिटिंग की सिलाई लगा दी है और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। और इसी के साथ ये हमारा स्टाइलिश वेस्टर्न टॉप बनकर रेडी हो चुका है और यह है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।